प्रश्न नंबर पांच, प्रश्न नंबर पांच, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। कहानी बनानी हमें इनमें छह चित्र दिए गए हैं, तो उसके आधार पर हमें कहानी बनानी है। वो उसका शीर्षक और फिर उसके उसमें से मिलने वाली सीख क्या है उसके बारे में हमें जानना है। तो यह कहानी आपकी निबंध की बुक में भी होगी, जिसको आप विस्तार से लिख लेना और थोड़ी सी मैं इसे सुनाता हूँ, जिसको ध्यान से सुनिए। तो कहानी इस प्रकार होगी। एक जंगल था, जंगल में एक तालाब था और तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। वहीं खेलते थे, उछलते कूदते थे। तालाब से थोड़ी दूर पर एक पेड़ था और पेड़ के नीचे बिल में, पेड़ की जो थड़ थी उसके नीचे बिल में एक सांप रहता था। सांप, देखो यहाँ पहले चित्र में बता दिया है, मेंढक खेल रहे हैं और पेड़ के नीचे जो बिल है उसमें से सांप बाहर निकल रहा है। सांप वहीं पर आता और किसी मेंढक को निकल जाता और फिर वापस चला जाता। दूसरे चित्र में हमें देखने को मिलता है। तीसरे चित्र में मेंढकों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही थी, क्योंकि सांप आता था और मेंढकों के बच्चे को निकल जा रहा था। तो मेंढक के सरदार ने एक दिन सभा बुलाई और सारे मेंढकों को इकट्ठा किया और कहा कि इस बिल में से सांप आता है और हमें से कई मेंढकों को निकल जाता है और इस तरह हमारी संख्या में दिन ब दिन कमी होती जा रही है, इसलिए हमें इसका कुछ उपाय करना चाहिए। और फिर सब मेंढकों ने मिलकर यह तय किया कि अब की बार जो सांप बिल में से बाहर निकले तो हमें उसके ऊपर एक साथ हमला करना है और इस तरह उसे बहुत सारा लूटपाट, हमें उसे शिक्षा करनी है। तो देखो नंबर चार में, चार के अनुसार बिल में से बाहर आया सांप तो सारे मेंढकों ने उस पर एक साथ हमला कर दिया और उसे कई तरह से नोचने लगे। सांप को इस प्रकार मेंढकों के द्वारा होने वाले हमले की कल्पना नहीं थी, इसलिए वह सतर्कता गया पूरी तरह और डरने भी लगा। और फिर देखिए चित्र नंबर पांच और चित्र नंबर छह में, सांप मेंढकों से परेशान व्याकुल होकर वह पेड़ के बिल में आकर छिप जाता है। और इसी तरह देखिए नंबर चित्र छह में, सारे मेंढक खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। इसी प्रकार एकता में शक्ति है, जब हम एक होकर किसी दुश्मन पर हमला करते हैं तो उसे भागना ही पड़ता है। तो हमें इससे सीख मिलती है कि हमें एक होकर रहना है और इसका शीर्षक भी होगा कि एकता की शक्ति। अब देखिए प्रश्न नंबर छह, कोष्टक में से दी हुई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें नंबर एक है, दुबदुबा गांव में हमेशा पानी की कमी, खाली जगह थी। उसमें देखो साइड में विकल्प दिया गया रहना, तो हमें रहना का उचित रूप लिखना है। तो क्या होगा, दुबदुबा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। नंबर दो, बच्चे तालाब में खाली जगह थे, नहाना का योग्य रूप हमें रखना है, तो बच्चे तालाब में नहाते थे। नंबर तीन, खेतों में मक्का और धान खाली जगह थी, लहलहाना का हमें उचित रूप उसमें रखना है, तो खेतों में मक्का और धान के खेत लहलहाए। क्वेश्चन नंबर सेवन, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। तो कोष्टक में शब्द दिए गए लाल, सफेद, तीन और सुंदर, तो उसके वाक्य बनाए गए। खेत में गाय चरती है, तो नंबर एक, खेत में लाल गाय चरती है, खेत में सफेद गाय चरती है, खेत में तीन गाय चरती है,
खेत में सुंदर गाय जाती है। तो इसके अनुसार हमें विकल्प और कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखे। लाल बिरंगे तीन सुंदर वाक्य हम बगीचे में फूल खिले हैं, उसके शब्दों के अनुसार वाक्य बनाने हैं। तो बगीचे में लाल रंग के फूल खिले हैं, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, बगीचे में तीन फूल खिले हैं, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। होशियार, रमेश पढ़ने में बहुत होशियार है। सुंदर, यह सुंदर फूल है। काला, हरीश के पास काला घोड़ा है। छोटा, मनीष रमेश से छोटा है। थोड़ा, ग्लास में थोड़ा दूध है। अब स्वाध्याय, प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो, तो ऐसा कौन कहता है? बिल्लू कहता है कि मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो। नंबर दो, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं, ऐसा कौन कहता है? तो महिमा कहते हैं। क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी पड़ता है, तो यह रजिया कहती है। नंबर चार, गुजराती में अनुवाद कीजिए। गुजराती में अनुवाद कीजिए। बच्चे पानी में खेलना चाहते थे, बालकों पानी में रमना इच्छता होता। अलग जो भाषण लिखा हो बच्चे पानी में खेलना चाहते हैं, चेतु बालकों पानी में रमना इच्छता होता। नंबर बी, पानी से खेतों की सिंचाई होती है। पानी से खेतों में सिंचाई धार छे। नंबर त्रण, बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा। बरसात ना पानी थी तालाब में पानी भराई। बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। बाल को ये पानी भी अच्छा दूर करवा लो विचार। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। एक दिन बालकों रमतना मैदान में भेगा थया इकट्ठा थया। नंबर पांच, निम्नलिखित शब्दों में से कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। प्रार्थना, तो यहां आपसे स्तुति अने उपासना, एना पछी छे उपाय, तो यहां आपसे
युक्ति तर्की पछी पानी पानी में वारी अने नीर बारिश बारिश तो बरसात अने वर्षा एना पछी परेशान परेशान तो दुखी और व्याकुल। नंबर छह आपके गांव मोहल्ले आसपास या स्कूल में भी कोई ना कोई समस्या जरूर होगी पता कीजिए और लिखिए वह समस्या क्या है वह समस्या क्यों है वह समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है उस समस्या को दूर करने में तुम और तुम्हारे साथी का क्या योगदान दे सकते हैं। समस्या जो भी हो आपको ढूंढना है और उसके बाद उसका हल कैसे निकालें उसके बारे में सोचना है। इस समस्या के बारे में अपने सरपंच या नगर सेवक को पत्र लिखिए। योग्यता विस्तार संकेतों को पढ़िए। संकेतों को आपको ध्यान से समझना है और पढ़ना है। पेज नंबर 87 पर यहाँ आपके पाठ दुर्दुमा गांव के बच्चे पूर्ण था એના પછી આગળનું આપણે આવતા પ્રિયમાં સોરી આવતી ફેર જોઈશું ત્યાં સુધી તમારે જે વર્ગ છે એ બધું તમે પૂર્ણ કરી લેજો।